यूजलेस नहीं यूजफुल हूं मैं, मेरी वजह से तुम सब लोग की जान बची समझा। जैसे जब मैं तेरे घर पे पहुंचा ना, आज पेट भर के खाना खाऊंगा और वो बंदरिया शोभता से काम करवाऊंगा, खाना बनवाऊंगा। लेकिन इतनी शांति क्यों है घर में? कहां चले गए सब? आंटी जी, अरे शान, हेलो रजनी, ए बंदरिया कहां चले गए तुम लोग? जेल में। क्या? जेल? क्यों? कब? कैसे? मैं भेजी उनको जेल में, अपनी मरु मक्कल को टॉर्चर करती वो लोग। अरे कौन मरु अंकल? अयो, गलती से मैं तमिल बोल दिया। मरु मक्कल का मतलब है टॉर्चर इन लॉ। मैंने अपनी आंखों से देखा, शान ने रजनी को हथौड़ी से मारी और उसकी बॉडी कहीं तो छुपा दी। मैंने पुलिस को बुलाया, पूरी फैमिली को अंदर कर दिया। सावधान इंडिया देखती मैं, रिपीट भी देखती। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मुझे चाय पत्ती मिलेगी। तभी मेरे जीनियस दिमाग की बत्ती चली और मुझे लगा कि मुझे लैब चेक करना चाहिए। हाँ। Oh my God! अब समझ में आया। इसका मतलब है कि वो लक्ष्मी ने शान को देख लिया था रजनी को डिसमेंटल करते हुए और उसको लगा कि ये मर्डर कर रहे, मार रहे। Do something, babe. You're the genius. शान के बाद तू ही जीनियस है। कुछ कर। और वो सिंपल हो जा सिम सिम। लाल कर देगी और वहां से शान तुझे डंडों से मार मार के पीला कर देगा। पिसेगा तू रजनी, जस्ट वेट, आई एम कमिंग। ओके अब तक तो ठीक है रजनी, मेरी प्यारी बहना, क्या लेना पसंद करोगी तुम? हंटर या पूजा की थाली? देव, मेरा आदर्श बहु मोड ऑन हो चुका है, इसीलिए मैं ये थाली लूंगी। बच गया हंटर। और रजनी के असेंबल होने के बाद मैंने उसको पूरा किस्सा सुनाया और वो सुपर सोनिक स्पीड से वहां पहुंच गई तुम लोग को बचाने को। देव, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सॉरी यार, मैं तेरी एवरेज शक्ल पे चला गया लेकिन तेरी अकल अबव एवरेज है। I'm so proud of me कि मैंने तुझे दोस्त बनाया। रजनी, थैंक यू। तुम्हें हमारी लोकेशन का कैसे पता चला? का मोबाइल और मेरा जीपीएस सिंक्ड है, जिससे हम दोनों एक दूसरे की लोकेशंस ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए। हाँ, मुझे तो पता होना चाहिए। पर रजनी, क्या होता है कभी कभी हाई टेंशन सिचुएशंस में ना, बड़े बड़े जीनियस लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। बट वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ मी एंड यू। Out of you also. तब ठीक है. And you also. Thank you. लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि हम लोग सब बच कैसे गए? I mean, हम लोग सब जिंदा हैं. अद्भुत, अविश्वसनीय. अरे अविश्वसनीय नहीं, इनर्शिया, स्टेट ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट स्टैटिक स्टेज स्टैटिक, बट वी वर नॉट स्टैटिक, वी बिकेम अपहिल, यानी कि चढ़ान आ गई, तो हमारी वेलोसिटी भी कम हो गई, स्पीड भी कम हो गई, और क्या कम हो गई? सांसें, एक्सीलरेशन कम हो गई, यू इडियट, इसीलिए वैन रुक गई, क्योंकि न्यूटन के सारे लॉ लग गए और हमारी सड़कें तो खराब है, तो हमारी वैन रुक गई। है? मैं नहीं मानती ये सब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। साइंस नहीं मानती आप? वेरी गुड। आप किस्मत को मानती हैं? भगवान, नसीब? तो ये मानो कि किस्मत और नसीब फिजिक्स पढ़ के आए थे। ओके, इनफ इनफ।
इंस्पेक्टर, जिस वजह से आपने हमें अरेस्ट किया है वो वजह आपके सामने खड़ी है। ये है हमारी बहू रजनीकांत, जो जिंदा है, मरी नहीं है। सो प्लीज अब हमें जाने दीजिए। जी हाँ इंस्पेक्टर, मैं ही हूँ इनकी बहू रजनीकांत, एकदम वन पीस में हूँ। इन्हें जाने दीजिए प्लीज, ये लोग अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, एकदम इनोसेंट बच्चे हैं। नहीं, अभी छानबीन करनी पड़ेगी। नहीं भाई, बच्ची ने बोल दिया ना सब ठीक है, और क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई। यस, देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बहू ने आकर अपने जालिम ससुराल वालों के बारे में सफाई दी हो। या ये भी हो सकता है कि आप किसी के दबाव में आकर ये बयान दे रही। हम आपकी गवाही नहीं मान सकते, और जब तक पूरी तरह से तहकीकात नहीं हो जाती कोई घर नहीं जा सकता। अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर? एटलीस्ट बैठने को चेयर दीजिए। ओह मम्मी टायर्ड, ओह गॉड। ऐसा ही लग रहा है। कितनी अनक्लीन जगह है ये, तुम लोग हाइजीन क्यों नहीं रखते? ओह गॉश नो, वो देखिए मॉम, मर्डरर शोगू। पर टीवी पे तो जेल कितना अच्छा लगता है, कोई दूसरा जेल मिल सकता है? पुलिस वाली आंटी दूसरा जेल दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो ना प्लीज। शट अप ध्यान। मैम एक ग्लास पानी मिलेगा प्लीज? जे चाय भी मिल जाए ना, ता सुबह से माहौल नहीं बनाया, समझा कर। अभी नहीं हुआ, तुम बैठ जाओ यहाँ पे। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे अंकल का घर नहीं, समझे? डीजा वो ये लाइन कहीं सुनी हुई है, ये आप बोलते थे ना? नहीं समझा, के कर लेगा तू? समझ गए वो क्या कर सकता है? बड़े चले थे सुरमा पंजाबी बनने। Talking to you, bro. तुम मुझसे बात कर रही है? Yes. तेरी मेरी सुलह हो चुकी है। शान, तुम्हारे बाबा को हमसे दूर लेके जाओ वरना हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। चुप भैया, पहले ये देखो इस गंध से बाहर कैसे निकलेंगे, बाद की बात ही सोची जाएगी। प्यो द इंस्पेक्टर। हाँ।
प्लीज शोगिता को बचा लो प्लीज प्लीज प्लीज। रजनी आप हो? जी हाँ, क्या आप मुझे जानती हो? चलो आपको सर ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मैं रजनी से एक मिनट बात करूंगी प्लीज। पर्सनल हस्बैंड वाइफ टॉक। रजनी, हम लोग जेल के अंदर हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बाहर निकाल लूं? नो। यहाँ ऐसा नहीं करना है रजनी। अब ये पुलिस वाले तुम्हें सवाल जवाब के लिए लेके जाएंगे। तुम्हें जो भी पूछेंगे तुम करेक्टली जवाब देना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं करते, कभी दहेज के लिए नहीं सताते। ओके ओके शान, मैं सच कहूंगी क्योंकि झूठ बोलने का फीचर मुझ में है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन देखो किसी की बुराई के लिए बोला गया सच सच नहीं होता। गलत मुहावरा। चलिए इंटरोगेशन के लिए। अब ये सत्यवादी बन गई तो सबको पता चल जाएगा कि वो रोबोट है। पुत्र, तू घबराई ना, हम सब ने इधर से निकल जाना है। रजनी हम सबको बचाएगी। बचाएगी नहीं, रजनी हम सबको फंसाएगी। जो मैंने वैन से देखा उसके बाद तो हम सबको सबको फंसाएगी। रजनी के कानून से लंबे हाथ देख लिए हैं और दिमाग खराब हो गया है उनका मानसिक संतुलन। भैया आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का फर्स्ट टाइम है ना जेल में बाबूजी, तो इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, तू रोज इधर से आयन करने आता है? अरे बाबूजी आपको याद है ना, मुझे छुड़ाने आए थे। ये शान भैया भी तो थे मेरे साथ जेल में। नहीं आया था ना गबन, 50 लाख याद है, जेल में तो था। ओ हाँ हाँ। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, रजनी भाभी हमको छुड़ा लेंगी, पता है वो सुपर वुमन है। अब इंस्पेक्टर से क्या बात करती है तभी पता चलेगा रजनी सुपर वुमन है या डायन। देखिए आप हमें खुलकर सब कुछ बताइए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो भी नहीं डर पाती, मुझ में डरने का फीचर ही नहीं है। अच्छा, लगता है सारे के सारे पागल एक ही घर में जमा हो गए। अच्छा आप हमें ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थी जब हम आपके परिवार वालों को गिरफ्तार करने आए थे? क्या आपको मारने की कोशिश की गई थी? मुझे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या मतलब? मतलब मुझ में मर जाने का फीचर ही नहीं है। अच्छा आपके ससुराल वालों का बर्ताव आपके साथ कैसा है? Very good. वो लोग मन के सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, अकल के कच्चे हैं, एकदम इनोसेंट बच्चे हैं। और आपकी सास? सास की तो मेरे बिना सास में सास ही नहीं आती। सासू मॉम मुझे बहुत ताने मारती है लेकिन दिल की नेक है, मेरी इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन दिल की नेक है, अजीब अजीब काम करवाती है लेकिन दिल की नेक है। जी हाँ, यू आर वेरी स्मार्ट। अच्छा ये अजीब काम का मतलब? कैसे कैसे काम करवाती थी? जैसे कि 2 घंटे में 1000 लड्डू बनाने का, लेकिन मैंने बड़े आराम से बना दिए थे। मैम, क्या आपकी सासू मॉम भी आपके साथ ऐसे ही बर्ताव करती है? मेरी सास मर गई। Oh, I am sorry. क्या आपके पति ने पीटा था आपको हथौड़े से? जी हाँ, पीटा था। लेकिन मेरी भलाई के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टम में वायरस घुस गया था। उस वायरस को बाहर निकालने के लिए मेरा पुर्जा अलग करना पड़ा, जिससे कि वो मैलफंक्शन हट गया और मैं आदर्श बहु मोड में वापस आ गई, जस्ट लाइक नाउ। अजीब लड़की, दिख तो नॉर्मल रही है लेकिन बातें अब नॉर्मल कर रही है।
लगता है हथौड़े की मार से बिचारी का दिमाग ढीला हो गया है। मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। एक काम करो, हॉस्पिटल लेकर जाओ, फुल बॉडी स्कैन करवाओ। चलिए मैडम। ओके, इंक्वायरी कंप्लीट। हाँ हो गया कंप्लीट। थैंक यू। तू टेंशन मत ले शान, देर तक पांगड़ू और रजनी मिलके सब ठीक कर देंगे, तुम सब लोग की छुट्टी कर देंगे। मतलब जेल जेल से छुट्टी? काफी देर से देख रहा हूँ तुझे, कौन है तू? हाँ क्या कर रहा है यहाँ? सर मैं रजनी का भाई हूँ, पर इनका जमाई। तो यहाँ क्या जमाने आया है? चल जाके साइड में बैठ। अय्यो अय्यप्पा, वेरी वेरी थैंक यू। तुम हैमर से मार खा के भी जिंदा हो, इपड़ी एर किंग है। अय्यो मैं गलती से तमिल बोल दिया, मेरा मतलब कोई बात नहीं। नान सुपर एर कई एवलो नालाईची नान ने पाक वेले। अय्यो मुर्गन, तुमको तमिल भी आता? जी हाँ, मुझे 86 languages और आती है, starting with Hyderabadi, सुनाती हूँ। No! No, Rojini! No Hyderabadi, please! And you know what? जिसके साथ तुम चपड़ कर रही हो, उसी औरत की वजह से तुम्हारा परिवार आज जेल में है। चपल चपल करने वाला परिवार कभी यहाँ नहीं आया। तुम्हें छोड़ दो ना। Shut up! चुप कर यार, एक बार बोल के मैं ही पछता रहूं। चुप कर जा। अब काम की बात सुनिए, हमें रजनी की बॉडी स्कैन करनी है। कहीं इसकी बॉडी में किसी तरह की चोट या फ्रैक्चर तो नहीं है? रजनी का बॉडी स्कैन? अब ओनली मुरुगन कैन सेव अस। ए लो, उठक बैठक लगा। आइए मैडम, कुछ फॉर्म फिलअप करने। इंस्पेक्टर सर। सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, रजनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है वो। वी आर अ वेरी गुड फैमिली, वी लव ईच अदर। शट अप। अब तो इसकी बॉडी स्कैन करने के बाद ही पता चलेगा कि आप लोगों ने इसके साथ क्या किया है। लगता है आज मेरी रोबोटिक बीवी का सच पूरी दुनिया के सामने आ ही जाएगा। चलो कोई नहीं, कम से कम इस टेस्ट से ये तो पता लग जाना ना कि हमने रजनी पुत्र पे कोई जोर जुलम नहीं किया, कोई उसको किसी तरह से परेशान नहीं करा, है जी? शायद ये भी पता चले कि रजनी के दिमाग में ऐसा क्या भरा पड़ा है जिसकी वजह से वो उलझुल हरकतें करती है। ये पता चल जाएगा कि रजनी के सर में क्या भरा पड़ा है, तब तो मेरी धजिया उड़ जाएगी। कुछ सोच जान, कुछ सोच। लड़की नहीं, रोबोट।
और नहीं, रॉबर्ट है।